भाई साउथ के सुपरस्टारों की दौड़ में एक ऐसा स्टार भी है जो लगातार लाइमलाइट में आ रहा है अपने कद के कारण और अपनी एक्टिंग के कारण। जो स्टार का नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन। दरअसल सुकुमारन की अपकमिंग फिल्म आथु जीवितम उर्फ द गोल्ड लाइफ 28 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। बीते दिन मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसे क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। दर्शक भी द गोल्ड लाइफ के ट्रेलर पर खूब प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी सर्वाइवल ड्रामा पर बेस्ड होने वाली है। ट्रेलर में दिखाए गए सीन्स को देखने के बाद लोग इसे ऑस्कर विनिंग फिल्म तक बता रहे हैं। क्रिटिक्स और दर्शकों के बाद अब साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने भी इस फिल्म के ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दिया है। प्रभास ने फिल्म के ट्रेलर पर कमेंट किया। प्रभास ने अपने को-स्टार पृथ्वीराज की द गोल्ड लाइफ की काफी तारीफ की। 9 मार्च को आथु जीवितम के ट्रेलर के रिलीज के बाद प्रभास ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म की तस्वीर शेयर की। तस्वीर में पृथ्वीराज को दिखाया गया था और फिर लिखा, मेरे भाई पृथ्वीराज तुमने ये क्या कर दिया, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये वही व्यक्ति है जिसने वरदराज मन्नार की भूमिका निभाई है, मुबारकबाद और शुभकामनाएं भाई, द गोल्ड लाइफ तुमने क्या किया का इंतजार कर रहा हूँ, ब्लॉकबस्टर लोड हो रहा है। प्रभास की इस इंस्टा स्टोरी को पृथ्वीराज ने भी अपनी स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा, धन्यवाद देवा, जल्द ही युद्ध के मैदान में मिलते हैं, शुरंग पर्वम। बता दें पृथ्वीराज सुकुमारन और प्रभास को 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सलार पार्ट 1 सीज फायर में एक साथ देखा गया था, जिसे KGF फेम डायरेक्टर प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया था। वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रभास के पास इस समय कई बड़ी फिल्में मौजूद हैं। फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म E2898AD के को लेकर चर्चा में है। एक्टर फिलहाल फिल्म की शूटिंग में लगातार बिजी चल रहे हैं। इसके अलावा उनके पास एक और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म भी मौजूद है। अब पृथ्वीराज सुकुमारन का ये लुक जो उनकी ये द गोल्ड लाइफ है उसमें देखते ही बन रहा है, क्योंकि एकदम से मेकओवर करने के बाद इस फिल्म में वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है, क्या क्या कीर्तिमान स्थापित करती है, ये तो 28 मार्च के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि 28 मार्च को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बाकी इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में और पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में आप सबका क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।